हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन एस्टीमेशन बाय साहलीज मेथड। हीमोग्लोबिन को हम HB से भी डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, मैंने लिखा है HB एस्टीमेशन बाय साहलीज मेथड। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ क्या है हीमोग्लोबिन एस्टीमेशन, जो प्रिंसिपल इज दैट अ ब्लड सैंपल इज एडेड टू N/10 HCl। जो सैंपल होता है ब्लड का जिसका हमने हीमोग्लोबिन चेक करना है, उसको हम किस में ऐड करते हैं N/10 HCl में। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड हेमेटिन में, और कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, डार्क कलर प्रोड्यूस करता है। दिस एसिड हेमेटिन, जो ये एसिड हेमेटिन बनता है ये ब्राउन कलर में होता है, और इसको हम डाइल्यूट करते हैं पानी के साथ जब तक कि जो उसका कलर हो वो कंपैरेटर के साथ मैच ना हो, जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसके कंपैरिजन पे ही हम उसकी रीडिंग देते हैं। तो एक्चुअल में इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी हम जिस भी पेशेंट का हमने सैंपल लेना है, जिस ब्लड में हमने हीमोग्लोबिन देखना है, जब भी हम उस हीमोग्लोबिन को उस ब्लड को N/10 HCl में डालेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो RBC हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसके अंदर वो N/10 के साथ रिएक्ट करता है और कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, एसिड हेमेटिन, जो कि किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। फिर जो ये डार्क ब्राउन कलर का सबस्टांस बनता है, इसमें हम पानी डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो दैट कि जो उसका कलर है वो कंपैरेटर के साथ मैच हो जाए, और उसकी जितनी रीडिंग आएगी फिर हम वो रीडिंग देते हैं। दिस वन इज योर प्रिंसिपल। अब हम पढ़ते हैं इसका मेथड क्या है, कैसे हमने उसको ब्लड को उसमें N/10 HCl में डालना है, कितना डालना है। सो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर ऑफ साहलीज मेथड फॉर हीमोग्लोबिन एस्टीमेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, N/10 HCl को आप फिल करना है अप टू Mark 2 ऑफ द ट्यूब। जो ट्यूब होगी, हमें जो इसकी कैलिब्रेशन के लिए ट्यूब मिली होती है हीमोग्लोबिन एस्टीमेशन के लिए, उसमें हमने 2 का मार्क होता है, वहां तक हमने क्या डालना है, N/10 HCl। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में पिपेट आउट 20 μL ऑफ ब्लड। हमने क्या करना है, जिस ब्लड का हमने हीमोग्लोबिन चेक करना है वो 20 μL लेना है पिपेट के साथ, और उसकी जो टिप होगी उसको वाइप करना है ताकि जो एक्स्ट्रा ब्लड लगा होगा वो वाइप आउट हो जाए कॉटन के साथ। एंड देन उसके बाद हमने क्या करना है, उस ब्लड को 20 μL ऑफ जो ब्लड होगा वो हम किसमें डालेंगे, N/10 HCl में, जिसमें हमने किसमें डाला हुआ, ट्यूब में। देन उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद हम उसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि ब्राउन कलर अपीयर हो जाए, और उसके बाद हम 10 मिनट्स के बाद एड डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो दैट कि वो कंपेयर कर सके हम कंपैरेटर के साथ। सो कंटिन्यू एडिंग वाटर एंड मिक्सिंग अंटिल कलर मैचेस। रीड द लोअर मेनिस्कस ऑन द ट्यूब फॉर हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर डेसीलीटर। हम जो हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन देते हैं वो ग्राम पर डेसीलीटर के यूनिट के साथ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सो एडवांटेजेस क्या है साहलीज मेथड की, ऑल फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट एस हीमोग्लोबिन आर रेडिली कन्वर्टेड टू एसिड हेमेटिन। मीन सारे हीमोग्लोबिन जो है वो सिर्फ एस हीमोग्लोबिन को छोड़ के सब कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड हेमेटिन में। डायरेक्ट कंपेरिजन विद एसिड हेमेटिन स्टैंडर्ड पॉसे। हम उसका क्या करते हैं, जो ब्राउन कलर का उसमें लिक्विड का कलर आता है उसको हम आसानी से स्टैंडर्ड सा कंपेयर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डायल्यूटेड सैंपल, जो डायल्यूट किया होता है सैंपल वो स्टेबिलिटी है उसमें। इजी टू परफॉर्म द टेस्ट, इजिली परफॉर्म हो जाता है, रिएजेंट्स इजिली हमें अवेलेबल होते हैं, और स्टैंडर्ड जो है उसका स्टेबल है, और जो टेस्ट है वो इकोनॉमिकल है। मीन्स ये बहुत ही कम रेट में हीमोग्लोबिन हो जाता है बाय साहलीज मेथड। देन कम्स डिसएडवांटेजेस क्या है, हमें इसके क्या नुकसान है इस मेथड के। सबसे पहले तो इट रिक्वायर्स ओनली ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब। हमें जो ट्यूब चाहिए वो ग्रेजुएटेड मीन्स उसके ऊपर मार्किंग होनी चाहिए, इनकेस अगर मार्किंग मिट गई तो हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो मेथड हैज फॉलोइंग इनबिल्ट डिसएडवांटेज, इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो तो है ही है। इट रिक्वायर्स एक्यूरेट पिपेटिंग ऑफ 20 μL ऑफ ब्लड। अगर हमें हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करनी है साहलीज मेथड से, तो इसमें जो ब्लड की पिपेटिंग है वो एक्चुअली 20 μL होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होती तो हीमोग्लोबिन की रीडिंग ज्यादा दिखाएगा, अगर कम होगी तो इसमें एक एक्यूरेट पिपेटिंग होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस मेथड एस्टिमेटेड ओनली एसिड हेमेटिन फॉर्म। ये सिर्फ एसिड हेमेटिन को ही जो फॉर्म होता है उसी की वैल्यू बता सकता है, बाकी और जो हीमोग्लोबिन होते हैं उनकी वैल्यू नहीं बताता। और हो सकता है अगर कंपैरेटर फेड हो जाए तो हम जो ब्राउन कलर को मैच करेंगे वो तो बहुत ज्यादा
पानी डाल के उस कंपैरेटर की जो शेड होगी बहुत लाइट हम उससे मैच करेंगे, तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की रीडिंग हम रॉन्गली हाई दे देंगे। सो पुअर सेंसिटिविटी एंड रिलायबिलिटी मीन्स हम इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं तो उसके ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है विद द यूज ऑफ टाइम इसके जो है कलर जो है फेड हो जाए और जो इसके मार्किंग है वो मिट जाए। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो अब मैं आपको बता रही हूं कि कुछ चीजें हैं जो सालिस मेथड से रिलेटेड है। सबसे पहले ये कि दिस मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम क्वांटिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो चेक कर सके ब्लड में कितनी है। हीमोग्लोबिन जो है वो इट इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू आउट अवर बॉडी। हीमोग्लोबिन वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी बॉडी ब्लड का जो हमारे बॉडी की थ्रू आउट पूरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दिस मेथड जो था सालिस मेथड, ये किसने डिस्कवर किया था? न्यूरोलॉजिस्ट विलियम गोवर्स ने। द सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर जो है जिसमें हम टेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर। ये किस किस से बना होता है? इसमें एक ट्यूब होती है, स्टीरर होता है, पिपेट होती है और एक कंपैरेटर होता है। जो बेसिक प्रिंसिपल है जो रिलेट टू दिस मेथड इज दैट कि जो ब्लड है वो किसमें एड होता है, एन बाय टेन एच सी एल में। जो आरबीसीज होते हैं जिनमें एच बी होता है वो क्या करता है, जब एन बाय टेन एच सी एल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिड हेमेटिन बनाता है जो कि एक डार्क कलर का सबस्टांस है। सो ये था आपका हीमोग्लोबिन का पूरा। अगर आपको क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन के ऊपर पूरा 5 नंबर का या 8 या 10 नंबर का, तो आप उसमें प्रिंसिपल लिखेंगे सबसे पहले, या सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज हीमोग्लोबिन, जो मैं आपको लास्ट पॉइंट बताया है हीमोग्लोबिन है क्या, उसको क्यों सॉरी हीमोग्लोबिन क्या है और इसको टेस्ट करने के मेथड्स कौन से हैं। उसमें वन ऑफ द मेथड इज सालिस मेथड। सालिस मेथड को किसने डिस्कवर किया था वो मैंने आपको बताया लास्ट में, आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद इसका प्रिंसिपल, इसका प्रोसीजर, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।